दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों चौधरी धर्मवीर के कुछ ऐसे भाषण सामने आए थे या ऐसे विचार सामने आए थे जिनसे ऐसा लगा था कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। कारण कुछ यूं था कि किरण चौधरी जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। किरण चौधरी चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधु हैं और चौधरी बंसीलाल के परिवार के साथ में चौधरी धर्मवीर की राजनीतिक अदावत बहुत पुरानी है। जब किरण चौधरी पार्टी में आई यानी कि भारतीय जनता पार्टी में आई तो उस समय चौधरी धर्मवीर ने आगे आने वाले समय में राजनीति छोड़ने तक का चुनावी राजनीति छोड़ने तक का ऐलान कर दिया। ये तक कह दिया कि जिन लोगों की वजह से वो कांग्रेस छोड़ कर आए थे उनको यहाँ लाया जा रहा है। कई सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पर ये बात चली, लेकिन कल जब चौधरी धर्मवीर लोकसभा में बोल रहे थे तो उनको बोलते सुनकर के ये बात तो तय हो गई कि चौधरी धर्मवीर के मन में भाजपा के प्रति कोई लगाव या प्रेम कहीं भी कमतर नहीं है। राजनीतिक मुद्दा हो सकता है कि उनकी किरण चौधरी से जो अदावत है, जो बंसीलाल परिवार से अदावत है, उसको लेकर तो कुछ कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी की जो नीतियाँ हैं, मोदी के जो कार्यक्रम हैं, उसके वो उतने ही बड़े समर्थक हैं जब वो जिस प्रकार से वो 2014 में आकर हुए थे। आप सुनिए लोकसभा में क्या बोल रहे थे चौधरी धर्मवीर। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ कि इस बार का चुनाव इतनी भारी गर्मी के बावजूद बड़ा शांतिपूर्वक ढंग से हुआ। शायद ये 18वीं लोकसभा ऐसी थी जिसमें किसी प्रकार की ज़्यादा शिकायतें नहीं आई। पिछले 10 साल का कार्यकाल जो माननीय मोदी जी का था और उससे पहले का भारत, ये आपने हमने सब ने देखा है कितना भारी बदलाव आया पिछले 10 साल में। और जिस प्रकार से माननीय राष्ट्रपति जी ने जो बताया कि आने वाले 5 साल में इस देश ने विकसित देश बनाने के लिए हमने आगे कैसे बढ़ना है, उस कार्यक्रम की भी पूरी रूपरेखा तैयार की है। तो मैं बधाई देता हूँ माननीय मोदी जी की सरकार को जिन्होंने 10 साल में इतना बदलाव किया। जहाज़ के मामले में देखोगे बड़ा हर जगह जिस प्रकार नए एयरपोर्ट बने हैं और एयरपोर्ट के बाद जो एयरलाइन की अलग अलग हवाई जहाज़ का जो हमें सफ़र का टाइम समय मिला है सस्ते रेट में, कोई मुकाबला नहीं इस चीज़ का। हेल्थ के अंदर अगर देखेंगे, एक समय था कोई बीमार हो जाता तो सारे लोग दिल्ली एम्स आने के लिए लोकसभा के सांसदों हों या राज्यसभा के MP हों चिट्ठियाँ लिखवाते थे। और आज हर स्टेट में मेडिकल कॉलेज, एम्स, जिस प्रकार से संख्या बढ़ाई है, आज से पहले इस प्रकार का भारत हमने नहीं देखा था। इसी प्रकार एग्रीकल्चर सेक्टर अगर आप देखोगे, क्योंकि हमारा क्षेत्र तो सारा सूखा था, जब रेट बढ़ते थे तो हम आज से 10 साल पहले जब बाजरा बाजार में बिकता था मात्र 800-900 रुपये क्विंटल का रेट होता था, आज वही रेट 2500 में हम बाजरा बेचते हैं। रेट बढ़ते होंगे कभी राइस के, चावल के, गेहूं के, लेकिन हमारा जो मोटा अनाज था जिसमें पौष्टिक आहार है, अगर किसी ने सुनाई दिया, किसी ने ध्यान दिया, तो ये पौष्टिक आहार केवल मोटे अनाज में कम पानी से जो फसल पैदा होती है उसी का रेट अगर बढ़िया तो माननीय मोदी जी के टाइम पर बढ़िया। हाँ जी, हम मेरी बात कर रहे हैं। ऑनरेबल मेंबर प्लीज एड्रेस द चेयर। वही बात कर रहा हूँ, अगर रेट बढ़ा तो हमारी सरकार के टाइम पर बढ़ा, वरना वही रेट देखिए 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी के ऊपर जिन लोगों ने बलिदानी दी उनकी सोच थी कि जब देश आज़ाद होगा तो हम तेजी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन लंबे अरसे तक जितनी रफ्तार हमें पकड़नी चाहिए थी नहीं पकड़ पाए। और आज पिछले 10 साल से जो रफ्तार तेजी से पकड़ी है उसी का नतीजा है कि 2047 तक आओ हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं। मैं कई बार, क्योंकि मेरा भी तीसरा टर्म आपके साथ है, ये बड़ी पंचायत है, गांव में छोटी पंचायत होती है, स्पीकर सभापति जी आपका लाइव देखते हैं गांव के लोग, और जब यहाँ एक दूसरे की छींटाकशी जो ऐसी ऐसी बातें आती हैं उसका दुष्प्रभाव पड़ता है नीचे तक। इसलिए आज हमें केवल देश को आगे कैसे बढ़ाना है वो सुझाव देने चाहिए, न कि ऐसी ऐसी बातें हम पिछले
दस साल से जो देख रहे हैं, आज भी सुबह से शाम तक जो हमने माहौल देखा, केवल राष्ट्रपति द्वारा जो अभिभाषण था कि हमने देश को आगे बढ़ाना आने वाले 5 साल में, उस पर चर्चा कम, दूसरी बातों में हम ज़्यादा उलझ के रह जाते हैं। उसका कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि हम दुनिया के विकसित देश की श्रेणी में आना चाहते हैं। आप देखिए तो 10 साल पहले का भारत और उस वक्त टैक्स की कलेक्शन कितनी थी। इसी 10 साल में केवल टैक्स कलेक्शन के सुधार के कारण हम 2.5 गुना ज़्यादा हमारा बजट बन जाता है, चाहे वो डेवलपमेंट का बजट हो या दूसरा बजट हो। और उसी का नतीजा है कि हम हर सेक्टर में किसान को भी फायदा देते हैं। अब पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे, हर साल हम 70,000 करोड़ से ज़्यादा किसान को मुआवजा देते हैं, सब्सिडी देते हैं, सम्मान निधि देते हैं। केवल एक बार पिछली सरकारों ने कभी 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ़ किया होगा, लेकिन ये तो एक नियम बना दिया कि हर साल इतना ज़्यादा पैसा किसान के खाते में जाता है। मैं मेरे प्रदेश के बारे में देखता हूँ, हम 12,000 करोड़ से ज़्यादा किसान को मुआवजा दे चुके हैं। पहले कभी मुआवजे का नाम नहीं होता था, आज उस किसान को मुआवजा जिस राशि से जाता है, अगर सभी पार्टियों की सरकारें इसी प्रकार प्रदेश में दें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको भी याद होगा, दुनिया की तीसरी लड़ाई के लिए सारी दुनिया कहती है कि पानी के ऊपर आएगी, पानी की कमी है, ग्लोबल वार्मिंग है। चाहिए तो यह था कि हम शुरू से ही 47 के बाद इन नदियों को जोड़ते। मैं बधाई देता हूँ माननीय मोदी जी की सरकार को, जिन्होंने 99 प्रोजेक्ट तो मंजूर करके चालू भी कर दिए, और बहुत सी ऐसी नदियां हैं जिनके जोड़ने के ऊपर बड़ी राशि खर्च करने जा रही है। जब बारिश का पानी होता था, पहले कभी भी हम ये नहीं सुनते थे कि पॉन्ड्स अथॉरिटी के मार्फत से केंद्र सरकार प्रदेशों के को पैसा देकर उन जोड़ों का पुनर्निर्माण करे, वाटर बॉडी को ठीक करे। पिछले 3-4 साल से जिस प्रकार से माननीय मोदी जी की सरकार ने पानी के बचाव के लिए सारे प्रदेशों को धनराशि दी है कि बारिश का पानी वहीं रोक के रिचार्ज करिए, ताकि ड्रिप इरीगेशन या स्प्रिंकल सेट के माध्यम से कम पानी से आप ज़्यादा फसल पैदा कर सकते हो। केवल यही नहीं, ऑर्गेनिक फसल के ऊपर भी भारत सरकार ने जिस प्रकार से अब तेज़ी से सुधार किया है, क्योंकि आज खाद्यान्न पदार्थ जिसमें मिलावट ज़्यादा हो चुकी थी उसके ऊपर फोकस किया भारत सरकार ने कि हम ऑर्गेनिक फसल के माध्यम से, देसी खाद के माध्यम से जब ज़्यादा से ज़्यादा उस अन्न को खाएंगे तो बीमारियां भी कम होंगी। इसी प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था आप देखोगे तो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे हमेशा घाटे में रहते थे, और पिछले 10 साल का इतिहास देखिए जिस प्रकार से बैंकिंग ने भी पूरा फायदे का, केवल एक बैंक नहीं, सुधार करना केवल भारत सरकार का काम होता है, उसी की अच्छी मैनेजमेंट की वजह से आज सभी बैंक फायदे में हैं। वरना यही बैंक एनपीए के माध्यम से या दूसरे माध्यम से हर साल घाटे में रहते थे। इसी प्रकार से सर्विसेज के मैटर में, प्लीज वेट, देयर इज अनाउंसमेंट। ऑनरेबल मेंबर्स, आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्पीकर्स टू स्पीक ऑन द प्रेसिडेंट एड्रेस। द टाइम इज ऑलरेडी 6:00। If the House agrees, the time can be adjusted with consensus. Yes, I think that is agreed. Up to 10. Time is extended up to 10. Up to 10 p.m. Sabhapati ji. Yes, carry on. Class C और D में interview system होता था देश में, जिसमें सिफारसी लड़के लगते थे। माननीय मोदी जी ने सारे देश में लागू किया कि interview system खत्म करिए क्लास C और D में, ताकि लोग अपनी काबिलियत के हिसाब से जब नौकरी करेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसी प्रकार से इस 10 साल की सरकार के अंदर जिस प्रकार पावर सेक्टर में सुधार किया है, हम सिर्फ कोल और हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर आधारित थे, लेकिन मुझे याद है 10 साल पहले का जब हम सोलर पैनल पर जो बिजली बनती थी, आप याद किए 12-13 रुपए यूनिट का खर्चा आता था उसके उत्पादन में, आज वही मात्र 3.5 रुपए के अंदर बिजली तैयार हो जाती है। ऐसा कौन सा जादू लेके आए हैं माननीय मोदी जी जिसकी वजह से ये रेट इतना ज़्यादा कम हुआ, और उस सस्ती बिजली की वजह से हम
हमारा इन्वायरमेंट भी ठीक रहता है, बिजली भी सस्ती दामों में मिल जाती है। इतना बड़ा देश, दुनिया में शायद कोई ऐसा देश होगा जो 80 करोड़ आदमियों को मुफ्त अनाज दे दे। विपक्ष वाले कहते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, अनाज कहाँ से आएगा, खाली हो जाएंगे वेयर हाउस, लेकिन आज भी किसान ने उत्पादन भी बढ़ाया और उस गरीब आदमी को अपना जीवन जीने के लिए भिखारी नहीं बनना पड़ा। ये भी एक अगर किसी का योगदान था तो माननीय मोदी जी का था। आप हेल्थ में देखोगे तो जो जन औषधि केंद्र खोले हैं, सस्ती दवाई, ये पहले हमारी देश की किसी सरकार ने नहीं सोचा। माननीय मोदी जी की सोच थी कि वही जेनरिक दवाइयाँ, अगर उसके स्टोर ज़्यादा खुलेंगे तो गरीब आदमी को सस्ता इलाज मिलेगा। इसलिए मैं इस जो माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा जो 27 जून को अभिभाषण था, जिसका प्रस्ताव रखा माननीय अनुराग ठाकुर जी ने, उसका समर्थन करते हुए मेरी सभी हाउस के सदस्यों से भी मेरी एक प्रार्थना है कि हम इस हाउस की एक ऐसी मर्यादा जरूर बनाएं, क्योंकि आप इस हाउस को डायरेक्ट लाइव देखता है देश, छोटी छोटी पंचायत, खाप पंचायतें, और कई बार वो इस बात को भी कहने लग जाते हैं कि यार तुम्हारी पार्लियामेंट से तो अच्छी हमारी पंचायत है जहाँ कभी झगड़े नहीं होते, केवल स्पीकर जो कहता है वही हम सुनते हैं। इस प्रकार का एक ऐसा संदेश जरूर दें, केवल पॉजिटिव दें, जिससे सकारात्मक सोच हो के हम इस देश को 2047 तक एक विकसित देश में ले जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्री मनीष तिवारी। इतना ही नहीं, चौधरी धर्मवीर ने मोदी सरकार की, चाहे वो सड़क विकास को लेकर के हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि को लेकर के हो, इन सब पर भी खुल करके बोला। अगर हम अलग अलग सेक्टर में देखें तो एक समय था 10 साल पहले, अगर हम रक्षा के हिसाब से देखें तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर तक आने जाने के लिए रास्ते नहीं थे। हमारे फौजी भाइयों को भी जब जाना पड़ता था तो 4-4, 5-5 दिन लग जाते थे, और आज आप वहाँ जाके देखोगे तो 4-लेन सड़क बॉर्डर के ऊपर कारगिल से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक आज हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमारे एक ऊपर कहीं चाइना बैठा है, कहीं पाकिस्तान बैठा है। और इसी प्रकार से जो हथियार डिफेंस के थे, आप याद करिए फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम्स की जो पुरानी ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रियाँ होती थी, उसके बाद हम लगातार कई सालों तक अपनी फैक्ट्री नहीं लगा पाए। बधाई देता हूँ माननीय मोदी जी की सरकार को, जिन्होंने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के नाम से अपने हथियार न केवल हमारे देश में काम आए बल्कि हमने विदेशों में भी निर्यात किया। केवल रक्षा के मामले में नहीं, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो एक समय था आने जाने के रास्ते नहीं थे, चाहे वो नेशनल हाईवे की बात हो, हम क्योंकि NCR के रीजन में हैं, यहाँ से किसी ने बम्बई जाना पड़ता, मद्रास जाना पड़ता, लखनऊ जाना पड़ता, कलकत्ता जाना पड़ता, दिनों दिन लग जाते थे। और आज कई बार तो जब हम सड़क के ऊपर जाते हैं और कोई आदमी 10 साल के बाद अपने गांव में आता है, अपने शहर में आता है, तो भूल जाता है तू कहाँ का रहने वाला था। एक बार जब सड़क पर चढ़ता है तो भूल जाता है कि कहाँ से उतरना था। ऐसी सड़कें हमने केवल विदेशों में सुनी थी, देश में नहीं देखी। और केवल सड़कों का मामला नहीं, अगर कनेक्टिविटी में रेल की बात अगर हम करें, अगर हमें रेल के माध्यम से दूसरी जगह जाना पड़ता, दिनों दिन लग जाते थे। और आज हम हैरान हैं, हम कल ही चंडीगढ़ से आए तो हमें 6 घंटे लगते थे और हम 2.5 घंटे में चंडीगढ़ से दिल्ली आ गए। और उस ट्रेन की अगर स्पीड, केवल स्पीड नहीं, अगर उसकी सीट भी देखें तो ऐसा लगता था जैसे कोई हवाई जहाज की सीट है। ये है एक मॉडल। 13 मिनट के संबोधन में चौधरी धर्मवीर के भाषण से आपको क्या लगता है कि क्या धर्मवीर के मन में कोई राजनीतिक अदावत बीजेपी के लिए भी है? आपको क्या लगता है कि क्या अपने बेटे को एडजस्ट होने पर, अगर तोशाम से उनके बेटे मोहित को, चौधरी धर्मवीर के बेटे मोहित को बीजेपी टिकट दे देती है विधानसभा का,
तो क्या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खासकर भिवानी लोकसभा में एक बड़ी उपलब्धि भी बन सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।